विशेष का लक्षण क्या है, सामान्य की चर्चा तो हो गई, सामान्य कितने तरह का, दो प्रकार का। उसके बाद विशेष की चर्चा, तो विशेष का लक्षण क्या दिया, व्यावर्तका विशेष। विशेष जो शब्द है इसका अर्थ ही नहीं है, क्या अर्थ है, दूसरे से वो किसी को अलग करता है, उनमें एक विशेष है, हम क्या कहते हैं उनमें एक विशेष, इतनी अच्छी तरह से बताते हैं कि याद रह जाए, क्या हो गया उनमें विशेष। विशेष क्या होता है, विशेष होता है जो किसी चीज को दूसरों से अलग करता है ना। तो इसी शब्द को लेकर विशेषकों ने कहा कि काल को आत्मा से कैसे अलग करेंगे, काल भी सर्वव्यापी है, आत्मा भी सर्वव्यापी है। तो वैशेषिकों ने कहा कैसे करो, आत्मा में एक विशेष है, उसका नाम क्या होगा, आत्मविशेष। तो वो आत्मविशेष जो है वो काल से आत्मा को अलग करेगा, ठीक है। इसलिए उसका काम क्या होगा, विशेष का दूसरों से अलग करना है। विशेष है ही ऐसी चीज कि जो दूसरों से एक चीज को अलग करती है ना। तो क्या किया लक्षण, आ रहे हैं लक्षण क्या किया, नित्य द्रव्य वृत्तयः व्यावर्तका विशेष। नित्य द्रव्य वृत्तयः नहीं, तो राई की राई कैसी भी चाहिए,
ये है अलंकार। प्रायु का वस्तु स्थिति में पहाड़ कभी बनेगा नहीं, क्योंकि उसके 10 अवयव, और पहाड़ के कितने? 10 कोटि के कोटि के कोटि, है ना। इसलिए परमाणु की आवश्यकता है। अब परमाणु की आवश्यकता चलो भी मान लिया, इतना बोल ही रहे हो प्रायु और पहाड़ एक हो जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं परमाणु है। लेकिन अब एक परमाणु को दूसरे परमाणु से अलग कैसे करें? क्योंकि हमारा जो प्रश्न था कि गणु एक गणु दूसरे गणु से अलग क्यों है, तो तुमने क्या उत्तर दिया? इसके दो परमाणु से अलग है। अब परमाणु के लिए भी वही प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि ये इसका एक परमाणु दूसरे परमाणु से अलग है। तो मुझे जी बोले ना आप गणु तक, जहाँ तक तो आ गए हो परमाणु तक, इसके बाद भी ये प्रश्न पूछेगा, अब डरना नहीं। अब क्या कहना है? इस परमाणु में एक विशेष है जो उसको दूसरे परमाणु से अलग करता है। तो दूसरे परमाणु उसमें भी एक विशेष है जो उसको दूसरे से अलग करता है। इसका मतलब क्या होगा? हर एक परमाणु में एक विशेष है। अब परमाणु कितने हैं? अनंत। इसलिए विशेष कितने बने? उत्तर
सा रूप है? उन्होंने बताया कि नीला है, तो मैं नीले रूप हूँ। नीले घट में क्या रहता है? नीले घट में नीला रस रहता है, तो घट तो है नीला और ये है नील रूप। ठीक है, नील रूप नीले घट में, तो ये नील रूप को और घट को हम अलग अलग नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। Thank you.
थोड़ा डाल दिया बन गया, उसका नाश हो गया है ना, तो वो उत्पन्न हुआ है। तो ये सब कुछ भी भाव पदार्थ के लिए, लेकिन अभाव पदार्थ के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो प्राग अभाव का लक्षण दिया, अनादि ही शांता, जो अनादि है, अनादि काल से है, लेकिन उसका Gracias.
भी होता है तो आनंद होता है, और आनंद होता है तो अनादि होता है, क्या चीज भाव होता है? तो प्राग भाव जो है अनंत है और शांत है, अनादि है और शांत है, प्रभोज जो है सादी है, ये भी अनंत है। तो वही बोल रहा है कि सादी ही अनंतता प्रभोजा, सादी ही जिसकी शुरुआत होती है लेकिन जिसका अंत नहीं होता, अनंतता प्रभोजा। और कब निर्माण होता है आदि क्या है उसका? उत्पत्ति है अनंतर कार्य से, कार्य की उत्पत्ति के बाद, क्योंकि वो ध्वंस है तो कार्य के उत्पन्न हुआ उसके बाद ही तो ध्वंस होगा, है ना। कार्य की उत्पत्ति से पहले जो एक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? प्राग अभाव। और कार्य की उत्पत्ति के बाद जो अभाव होता है वो उसको क्या कहते हैं? ध्वंस। उसको ध्वंस भी कहते हैं। देखो क्र तो उपसर्ग है, ध्वंस और ध्वंस एक ही अर्थ है, नाश उसका मतलब। अब जो यहाँ तक आ गए, प्रागवा हो गए और ध्वंस भी हो गए। अब अभाव की थोड़ी चर्चा करते हैं। अभाव कैसे होती है तो ये दो लाइन में पढ़ने दी हूँ और फिर मैं चर्चा करूँगा। तैकारिक संसर्ग अच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंत अभाव, और इसका उदाहरण क्या है? यथा भूगरे घटा नास्ती, एक। और दूसरा क्या है? तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितात्मक अभाव, अन्योन्याभाव तथा घटा पटा न। तो Yeah.
खंडस्य अभावः कुत्र अभावः भूतले हमने प्रतियोगी नाम दे दिया, इसको हमने अनुष्ठान
भूतले पटाहा, भूतले पटाहा, पटे का मतलब क्या है? कपड़ा, वस्त्र, तो इस भूतल पे वस्त्र नहीं है मैंने के लिए, सही है? नहीं है यहाँ पे वस्त्र को भी, एकदम साफ सुथरा है। अब इस अभाव का प्रतियोगी कौन है? और इसका अनियोगी कौन है? वो भूतल ही है, तो भूतल नंबर वन, भूतल नंबर टू आप कह सकते हो, चाहिए तो। लेकिन हमने तो बदल ही किया ना, तो अब क्या हो गया? कस्य अभाव, पटस्य अभाव, यस्य अभाव, सह अभावस्य प्रतियोगी, कुत्र अभाव, भूतले, यत्र अभाव, सह अभावस्य अनियोगी। तो कैसे इसका वर्णन कैसे होगा? हाँ, वो भी मैं बता दूंगी आपको, ठीक है, बाद में आ जाए। लेकिन तो ये चीज क्या हो गई कि अभी तो आप कह रहे थे घट का अभाव है, अभी दो मिनट पहले मैं कह रही थी यहाँ पे घट का अभाव, अभी दो मिनट बाद आप कह रहे हो पट का अभाव है, अभी आप कहोगे तो यहाँ पेड़ नहीं है तो पेड़ का अभाव है, तो हाँ नहीं, यहाँ पे कट नहीं है कह सकते हो, यानी कोई चटाई यहाँ नहीं है तो अब कट भी नहीं है, तो इसका मतलब किसी भी चीज़ का अभाव हो सकता है, हुआ कि नहीं? इसका मतलब किसी भी चीज़ का अभाव हो सकता है, और जिस चीज़ का अभाव होगा उसका नाम क्या है? प्रतियोगी, उसका नाम है प्रतियोगी, जिसका अभाव वो प्रतियोगी। ये कभी नहीं भूलना, जितनी बार भी मैं पूछूंगी कभी नहीं डरना, क्या है? शूरता से जवाब देना, क्या? जिसका अभाव है वो कौन होता है? प्रतियोगी, ऐसे जवाब देना, डरना नहीं, तो वो होता है प्रतियोगी। मतलब पट का अभाव प्रतियोगी कौन? पट। वृक्ष का अभाव प्रतियोगी कौन? कट का अभाव प्रतियोगी कौन? कट। कुड्य का अभाव प्रतियोगी कौन? कुड्य। कुड्य मतलब क्या है आपको समझ में नहीं आया? डजंट मैटर। लेकिन आपको मंत्र क्या दिया है? जिसका अभाव हो प्रतियोगी। तो भले आप कुछ भी कहो मैडम, कुड्य कहो, कुछ भी कहो, हाथी का अभाव कौन प्रतियोगी? हाथी। इतना सिंपल है, जिसका अभाव हो प्रतियोगी। अब ये याद रखना कि जिसका अभाव हो प्रतियोगी। अब हम प्रतियोगी किसी चीज को क्यों कहेंगे और कब कहेंगे? हमने इसको प्रतियोगी नाम दिया, इसका मतलब क्या है? नहीं, उसने हमें कुछ तो देना है।
डेढ़ लाख सालवी सालवी वो है मराठी से ओरिजिनली देखो तो मैं मराठी से आई हूँ इसलिए मैं देखो का तो वो आए मेरे मराठी से उतना बढ़िया था मराठी के करने तो उनको ऐसे एक्सपर्ट है ना तो एक जो बेटा है वो बनाता है उन्होंने बना करके क्या कहा बाबू जी ये साड़ी बनी तो किसको लेना है ठीक है तो जब साड़ी बनी तो उसने नहीं कहा दे तो मैं योगी बना पट
आधार है, आधार का अधिकरण है, अधिकरण है सप्तमी है ना, उन्हें सप्तम में अधिकरण है। तो वो जो सप्तमी है वहाँ से हमें पता चला भूगल इस अभाव का आधार है, उसको हमने स्पेशल नाम दिया, क्या नाम है, अनुयोग। अब अनुयोगी जब नाम दिया इसका मतलब वहाँ पे अनुयोगिता है। देखिए मैंने कहा इसलिए आप भूगल को ही अनुयोगी नाम दो और अनुयोग पे बैठो ऐसा मत करो, कोई नहीं समझ पाएगा, है ना, सब कहेंगे क्या हो रहा है, कौन सा अनुयोगी क्या। तो फिर वो तुम लोग ने नहीं आ रहे थे, दसवीं की क्लास चल रही थी, तो मैडम ने कहा था भूगल को अनुयोगी लेते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अनुयोग पे बैठो। तो वो कहीं नहीं आ रहे थे, क्लास में जाके ये जो बोलना है बोलो, यहाँ पे नॉर्मल हिंदी में बात करो, नॉर्मल उतना क्या है, जमीन का